एक विंडो एसी है जो कि 3-4 मिनट चलने के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। सर्विस भी कर लिया, कैपेसिटर भी चेंज करके देख लिया, फिर भी वही प्रॉब्लम है। 3-4 मिनट चलने के बाद ट्रिप हो जाता है कंप्रेसर, और एम्पियर भी बढ़ रहा है। एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है मुझे, और उसी के रिप्लाई में एक हमारे दूसरे दोस्त ने देखिए, उन्होंने रिप्लाई किया है कि तब तो कंप्रेसर ख़राब हो गया है, कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। भाई इस तरह से सजेस्ट ना दिया करें किसी को, क्योंकि ना इंडिया में मैं अच्छे से समझता हूँ, इंडिया में मैं अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी अगर कोई भी फॉल्ट है तो फॉल्ट को आपको कन्फर्मेशन करने के लिए बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है इंडिया में। क्योंकि ना इंडिया में क्या होता है कि आप गए बोल दिए कंप्रेसर ख़राब है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूसरे टेक्नीशियन को कॉल करते हैं। दूसरा टेक्नीशियन जब आ करके अगर वही कंप्रेसर चला दिया तो फिर आपका मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी। इसलिए अच्छी तरह से उसे टेस्ट करके, अच्छी तरह से उसे जांच कर लें कि हाँ सच में कंप्रेसर ख़राब है, तब जा करके बोलें कि हाँ कंप्रेसर ख़राब है, चेंज करना पड़ेगा। उसे कैसे करेंगे, उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ना आपने सर्विस की भी कर लिया, कैपेसिटर भी चेंज कर लिया, फिर भी वही प्रॉब्लम है। एक लास्ट आपका आपने चेक नहीं किया, कैपलरी उसकी ब्लॉक हो सकती है। कैपलरी जब ब्लॉक होती है ना तो एम्पियर भी बढ़ता है, और विंडो एसी में अक्सर ऐसा होता है कि कैपलरी ब्लॉक होने की वजह से कंपनी वाले क्या करते हैं, छोटी सी पाइप होती है उसी के अंदर फिल्टर लगा होता है, उसी फिल्टर में ब्लॉकेज हो जाता है, कंपनी वाले लगा करके देते हैं ऐसा। उसके बाद जब दूसरी बार कैपिलरी चेंज होती है तो जब नया टेक्नीशियन जब उसको टेक्नीशियन जब नया कैपिलरी लगाता है वहाँ पर, तब वहाँ पर ड्रायर फिल्टर वो लगाता है या फिर कोई भी जुगाड़ करके लगाए। तो किसी को भी इस तरह से सजेस्ट नहीं देना चाहिए कि कंप्रेसर ख़राब है, डायरेक्ट ऐसा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी कैपिलरी ब्लॉक हो। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एम्पियर बढ़ता है, कंप्रेसर ट्रिप होता है, उसके रीजन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को कंप्लीट मैं वहाँ पर बताया हूँ कि आखिर क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर बार बार ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। जा कर के उस वीडियो को देखिए और सीखिए, मैं कंप्लीट बता रखा हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊँगा क्योंकि वो किसी भाई ने रिप्लाई किया था उनको, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि कंप्रेसर बदलने से पहले आप कैपलरी की जांच जरूर कर लें। यानी कि कैसे जांच करेंगे, रेफ्रिजरेंट को आप निकालेंगे उसमें से, कंप्रेसर तो चेंज करना ही करना है, जब हम एक भाई ने तो सजेस्ट कर दिया है, तो वहाँ से जब कैपलरी आप निकालेंगे तो कैपलरी निकाल करके खाली कंप्रेसर आपको चलाना है, खाली कंप्रेसर, तब देखिए कितना एम्पियर ले रहा है, एम्पियर बढ़ रहा है, कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है कि क्या। फिर भी अगर कंप्रेसर ट्रिप होता है खाली लोड के बिना, अगर कंप्रेसर इतना जल्दी जल्दी ट्रिप होता है, ट्रिप होगा, खाली कंप्रेसर चलता है तो गर्म होता है और ट्रिप भी होता है, लेकिन थोड़ा लंबे समय के बाद, ऐसा नहीं कि आपका जो टाइम फिक्स है 3-4 मिनट में जो ट्रिप हो रहा है उसी टाइम पे ट्रिप होगा और एम्पियर भी बढ़ेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि कंप्रेसर ख़राब है या फिर सही है। होता क्या है कि कंप्रेसर या तो ओवर हीट होता है जब, या तो कैपेसिटर की वजह से होता है, या तो कैपलरी की वजह से होता है, या तो ब्लोअर फैन मोटर नहीं चल रहा होता है। ब्लोअर जो विंडो एसी में होता है, ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन दोनों एक साथ में लगे होते हैं, पीछे की साइड में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है और सामने की साइड में ब्लोअर लगा होता है, सॉरी। तो उसकी जांच कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लो चल रहा हो, स्लो चलेगा ना ब्लोअर फैन मोटर, जब स्लो चलेगा तो भी ये रीज़न होता है कि कंप्रेसर बार बार ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। ये तो हो गया, कैपेसिटर कमज़ोर होता है तो भी ऐसा होता है, कैपलरी ब्लॉक होती है तो भी ऐसा होता है। तो आपने सर्विस भी कर लिया, कैपेसिटर भी चेंज करके देख लिया, तो आपने ये भी देख लिया होगा कि ब्लोअर फैन मोटर जो है उसकी स्पीड सही है, तो सिंपल सा आप उसे कैपलरी उसकी चेंज करनी पड़ेगी। कैपलरी चेंज करके देखिए, कैपलरी जब निकालेंगे तो नया लगाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैपलरी नया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपलरी जब निकाल देंगे वहाँ से, यानी कि कंप्रेसर के ऊपर कोई लोड नहीं होगा, रेफ्रिजरेंट नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो खाली कंप्रेसर चलाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उसी तरह से एम्पियर बढ़ रहा है। अगर उसी तरह से एम्पियर बढ़ रहा है और ज़्यादा एम्पियर ले रहा है ज़्यादा, तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब ही है। अगर नॉर्मल चल रहा है
और उसका सक्शन और डिस्चार्ज अच्छे से फेंक रहा है, तो समझ जाइए कि कंप्रेसर सही है, कैपिलरी चेंज करने की ज़रूरत है। कैपिलरी चेंज करिए और अच्छी तरह से उसे वैक्यूम करके फ्लस जरूर करिए। जब कैपिलरी चेंज कर रहे हैं तो फ्लस जरूर करिए, फ्लस करके वैक्यूम करके गैस रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दीजिए, अच्छी तरह से सिस्टम चलने लगेगा। बस ये छोटी सी जानकारी से छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।